ओके तो बेसिकली आज हम लोग करने वाले हैं ग्लो इफेक्ट। ओके ग्लो इफेक्ट के बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपके लिए टाइप टूल, आपको बेसिकली पता है टाइप टूल जो बेसिकली मेरा जो यूज होता है किसी भी चीज़ को टाइप करने के लिए होता है। जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है नॉर्मली रितिका, करेक्ट। यहाँ पे डबल क्लिक, करने से होगा किसी भी चीज़ पे, जैसे कि कोई भी चीज़ आपकी होती है अगर आप डबल क्लिक अगर आप करोगे सिंपल क्या होगा, आपको यहाँ पे टेस्ट आपका सिलेक्ट होगा, सिर्फ ओनली आपको टी वाले सेक्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। स्केल इंक्रीज मैंने यहाँ पे किया, देन डाउन, क्लियर। अगर आपको उसको स्केलिंग को अप डाउन में मैनेज करना है या कुछ और आपको देखना है तो वो भी आप कर सकते हो। अगर आपको अपना फॉन्ट आपको बेटर नहीं लग रहा है, आपको फॉन्ट चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ पे नॉर्मली बैलेंस कर सकते हो। श्योर है आपको कैसा आपका फॉन्ट यहाँ पे यूज करना है? सपोज आपको दूसरा कोई नाम भी आपको लिखना है तो सेम प्रोसेस आपका यही से आपका ऐड होगा। सपोज मैंने अभी दिया तो वो आप यहाँ बेसिकली ऐड कर सकते हो, लिख सकते हो, मैनेज कर सकते हो और यहाँ से भी अपनी टाइपोग्राफी को चेंजेस कर सकते हो। कैसे आपको अपनी टाइपोग्राफी चाहिए, मुझे सपोज अगर ऐसा कुछ दिया दिखाना है तो वो भी मैं यहाँ पे ले सकती हूँ। दिस टाइप ऑफ फॉन्ट ये बेसिकली मैंने यहाँ पे लिया, इसको मैंने क्या किया सिंपली डबल क्लिक करने से सिलेक्शन आपका होगा, इसकी मैं कॉपी लेती हूँ कंट्रोल जी, कंट्रोल जे, देन डबल क्लिक करना है आप कॉपी वाली लेयर पे और यहाँ से मैं लेती हूँ बेसिकली स्ट्रॉक। स्ट्रॉक का जो कलर है वो मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट पे लिया हुआ है। अगर आप चाहते हो कोई सिंगल कलर तो वो भी आप ले सकते हो, अगर आपको यहाँ पे कोई और कलर आपको चेंज करना है, पिक करना है, वो आप कर सकते हो एज यू विश। बेसिक मैं इसको किया, ओके साइज आप स्ट्रॉक का यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कितना आपको मैनेज करना है वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो, कैसे आपको मैनेज करना है वो भी आप मैनेज कर सकते हो। दिया मैंने यहाँ पे लिखा, मैं क्या करती हूँ फील को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया जीरो कर दिया, जो नीचे वाली लेयर इसको मैं कुछ मैनेज नहीं किया है ना, इसको मैं फिलहाल ऑफ करती हूँ। देखो दिया जो है उसका फील चला गया, ऐसे है ना, मुझे देखो दिया वाला जो नाम है ना उसका मुझे ग्लो दिखाना है तो ग्लो के लिए बेसिकली मैंने क्या किया यहाँ पे डबल क्लिक किया, देन यहाँ से बेसिक मैंने क्या लिया आउटर ग्लो। अब आउटर ग्लो में क्या हुआ ग्लो आया बट येलो कलर वो बेटर नहीं लगा था, मैं यहाँ पे मुझे रेड कलर में ग्लो दे रहे, रेड मैंने यहाँ पे लिए ग्लो का जो अमाउंट है उसको मैंने किया कम। स्प्रेड कितना आपको करना है वो आप देख सकते हो, दिख रहा है आपको यहाँ पे स्प्रेड मैंने थोड़ा सा कमी किया और यहाँ से आई थिंक इतना इनफ है। ओके इतना मैंने इसको मैनेज किया और ध्यान देना ग्लो जो आपके हेड जो आएगा वो आपके डार्क कलर पे आएगा, ठीक है। अगर सोचोगे कि व्हाइट कलर ले लो ग्लो दिखाओ पॉसिबल ही नहीं है। ओके देन मैंने ये काम किया, उसके बाद क्या कर लेती हूँ यहाँ पे आउटर ग्लो में मैनेज किया कलर ब्लू भी लेना है वो भी आप ले सकते हो, आप लोग चाहते हो मुझे ब्लू कलर में दिखाने तो जो आपको आपको अच्छा लगे आपको बेटर लगे वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। मुझे यहाँ पे बेबल एंड एम्बोस कुछ मैनेज करना है तो देखो मेरे पास यहाँ पे आउटर इनर शोर है आपको एम्बोस, इसमें आपको अपना आउटपुट दिखाना है वो भी यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। मैंने फिलहाल लिया है यहाँ पे आउटर में शीतल हार्ट स्मूथ, अगर मुझे यहाँ पे कुछ मैनेज करना है शोर है आपको यहाँ पे मैंने यहाँ पे बेसिक ले लिया। डेप्थ कितना आपको मैनेज करना है काइंड ऑफ साइज कैसा आपको यहाँ पे चाहिए, साइज आई थिंक तो इतना इनफ है, सॉफ्ट टन कितना आपको करना है वो कर सकते हो और यहाँ से अपना कॉन्टोर भी कैसा आपको चाहिए मैनेज करना है ग्लॉस कॉन्टोर वो आप चेंज कर सकते हो। क्लियर हो रहा है ये से है ना तो वो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। क्लियर बेसिकली मैंने क्या किया इसको मैंने इतना ही रखा, इसको मैंने ओके कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे ग्लो इफेक्ट सिंपल ही आ रहा है ये से है ना, सिंपल में ग्लो इफेक्ट मेरे पास यहाँ पे आया, मुझे बस थोड़ा सा मैनेज करना तो मैंने क्या किया यहाँ पे एक इलिप्स मैंने लिया इलिप्टिकल, एक न्यू लेयर मैंने यहाँ पे ऐड की क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग। सपोज मैंने इसके अंदर जो कलर फिल किया है वो मैंने कर दिया है ब्लू कलर, बेसिकली ब्लू कलर लेयर को डाउन। अब देखो इसके प्रॉपर शो नहीं हो रहा ना, देखो अब ब्लू कलर मैंने यहाँ पे ब्लू में भी आपकी लॉट ऑफ वैरायटी होती है डार्क लाइट ब्लू, कैसा कुछ चीजें मैनेज करी मैंने यहाँ पे डार्क कलर लिया क्योंकि मैंने जो आउटर ग्लो लिया वो बेसिक मैंने क्या लिया है ब्लू ही कलर का,
आउटर ग्रिड में शो होगा क्या? नहीं ना, सिंपल मैंने क्या किया, डबल क्लिक मैंने यहाँ पे लिया, मैं आउटर ग्लो पे जाती हूँ, आउटर ग्लो कलर के ब्लू ना, मैं अगर सपोज का रेड ले लूँ कुछ शो हो रहा है, ये सही है ना? हाँ, उसके बाद किया मैंने यहाँ पे, इसको मैनेज किया। अगर आप लगता है इसकी स्केलिंग को थोड़ा सा कम करना है, कंट्रोल टी मैंने किया, इसको मैंने थोड़ा कम कर दिया। इसकी कॉपी ले ली कंट्रोल जी, जो नीचे वाली जो कॉपी है ना, इसको अगर आपको दिखा नीचे से आपका ग्लो आ रहा है, फिल्टर पे जो ब्लर देन गोशन ब्लर, अगर आपको उसको थोड़ा सा मैनेज करना है तो वो बेसिकली ओके। मैंने इसको यहाँ पे जो कॉपी लिया है, जो लिया है डाउन आपको लिया है, इसको मैंने कंट्रोल डी के स्केल किया, फिल्टर पे जाती हूँ, ब्लर हल्का सा गोशन ब्लर। अगर आपको ऐसा कुछ इफेक्ट दिखाना है तो वो भी आप दिखा सकते हो, और आप चाहते हो कि हल्का सा डेप्थ में आपकी चीजें आए तो क्या करना, डबल क्लिक और यहाँ से आप ले लो ड्रॉप शैडो। ड्रॉप शैडो में बेसिक क्या होगा आपका, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे डिस्टेंस आपको स्प्रेड करना है या आपको साइज को मैनेज करना है, वो आप बेसिकली यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, इजीली आप यहाँ पे इसका काम कर सकते हो। ओके डन, इतना क्लियर हुआ? यस या नो? कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट, तब आप लोग बोलो।